कुछ चाय पीनी है? आधा कप। महीना हो गया जी, तुसी दिन रात काम करते हो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं होगा चाय जी, काम तो करना ही होगा ना। बीमारी भी आएगी तो उससे कहूंगा जरा बाद में आना, अभी फुर्सत नहीं है। और ऐसे बैठ गया चाय जी तो काम कैसे चलेगा है? दोनों पुत्र छोड़ के चले गए, छोटे प्रा को ऊपर वाले ने छोड़ा दिया। काम तो करना ही है ना जी। वो ट्रकों का क्या हुआ? वो जी एडवांस पेमेंट तो मैं कराया हूँ सारी। अच्छा, फिर तो 15 दिन में आ जाएंगे ना? हाँ, आ भी गए तो ऊपर के बड़े काम है ना, पूरी बॉडी बनेगी उसकी, फिर आरटीओ के चक्कर, लाइसेंस वास्ते, फिर सारे ट्रांसपोर्ट वालों को बताना पड़ेगा कि हमारे पास 2 ट्रक हैं भाड़े पे उठाने के वास्ते, तो 2-4 महीने पकड़ लो चाय जी। लो जी चाय। हाँ जी। आप क्या सोचने लग पड़े? कुछ नहीं जी, सोच रही थी 6 महीने से ऊपर हो गए आमदनी बंद हुए, ऐसे बैठे बैठे कब तक खाते रहेंगे? चाय जी, कम से कम आप तो ऐसी थकी हारी बातें मत करो है जी। इससे भी बुरे दिन देखे हमने, सर पे छत नहीं थी, रोटी का आसरा नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, त्रिलोकी साथ में था, सब हो ही गया ना। तब भी आप हिम्मत देते थे, हौसला बढ़ाते थे, सही वही आप हो, वही मैं हूँ। नहीं नहीं जी, अब कहाँ वो उम्रें बची हैं और सहने की ताकत भी कहाँ। जी आप तो हिम्मत रखो जी, बस हौसला बढ़ाओ जी आप तो बस। रोज सवेरे शाम पूजा पाठ तो करते ही हो ना आप, है ना जी? तो बस मेरे वास्ते रब से गुजारिश करो कि चंद सालों वास्ते, बस ही बस चंद सालों वास्ते थोड़ी हिम्मत ताकत और वो पहले वाला हौसला दे दे मुझे, ताकि जो कुछ बिखर गया है ना उसे समेट लूं मैं, जो जिम्मेदारियां मेरी है ना थोड़ी बहुत उन्हें बाइज्जत पूरी कर दूं मैं। बस जी बस चंद साल।